सबसे पहले मैं अल्लाह का शीशी ऊपर रहे क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से जो उनकी एक सोच थी, उनका एक जो उस वक्त का एक उनका काम रहा कि वो सभी कम्युनिटी के लिए अच्छा सोचते, सभी कम्युनिटी के लिए अच्छा करते, तो उसी के चलते अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है रेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये रेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्रिसमस फेस्टिवल कल जो होने वाली है, तो ये क्रिसमस के लिए यहाँ के क्राइस्ट जितने भी 500 घर हैं, 500 फैमिलीज़ को रेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप सबको मालूम है, ये 12 साल से मैं काम करते आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद और हमारे ताया फारूक पाशा साहब, इन सब की दुआओं से ये 12 साल हुआ है। और रमज़ान में भी मैं जैसा रेशन देता हूँ, ठीक उसी तरह से क्रिसमस में भी ये काम को अंजाम देते जा रहे हैं इंशाल्लाह। यानी कि मुख्तलिफ मजाहिब के त्यौहारों पर इस तरह जो है आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, क्रिश्चियन बोले तो पूरे पैसे वाले नहीं रहते ना, और रमज़ान बोले तो पूरे मुसलमान पैसे वाले नहीं रहते ना, और दूसरे फेस्टिवल सब समाज में सब तरह के लोग हैं, यानी कि पैसे वाले भी हैं, मिडिल क्लास भी है, गरीब भी है, जो कि जो छोटी तबके के हालात के लोग हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास काम धंधा नहीं है, जिसके पास रोजी नहीं है, और ऐसे हालात में सर पे ईद यानी कि क्रिसमस फेस्टिवल, तो मेरी हैसियत के मुताबिक, मैं क्या भी उतना बड़ा आदमी नहीं, छोटा मोटा आदमी, मेरी हैसियत के मुताबिक आज ये रायपुरम में चामराजपेट क्षेत्र के अंदर रायपुरम वार्ड बोलवा है, तो रायपुरम वार्ड में जो है आज हमारा दिलीप, विनोद, हमारे रंजिता, हमारे तुलसी, तमाम हमारे मंजू, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, इन सभी ऐसा क्रिश्चन रमजान हब्ब को मातीरलवाण, सो क्रिसमस हब्ब अब बर्ता है तब मेको बोले तो अलहमदिल्ला हमें ये पूरे लीडर के साथ डिस्कस करको, गरिमा कौन ही उनको आइडेंटिफाई करको, मुस्तई खान को आज जो है रेशन डिस्ट्रीब्यूशन करको। सर ये तुम्हारा वार्ड नहीं आता ना सर, ये चामराजपेटे क्षेत्र आता, चामराजपेटे क्षेत्र, तो चामराजपेटे क्षेत्र में हमारी उधर पादरनपुरा में क्रिश्चियन कम्युनिटी के नहीं, बट रमज़ान में भी अतराफ के जहाँ से भी आती सबको भी मैं देता हूँ, मालूम हमारे भाइयों को सभी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमना देता है, हमें सामने वाले को देना है। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है मुख्तलिफ वार्डों में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हाँ हाँ हाँ, सभी जगह। ठीक है, तो कहाँ तक इस पर जो है कार्रवाई? इंशाल्लाह दुआ करो कि अल्लाह ताला जो है यहाँ पर हाली शासक यानी कि जो प्रेजेंट MLA हैं उनको भी अल्लाह 4 बार मौका दिया, तो इस बार शायद मुझे मेरे अल्लाह के ऊपर यकीन है, परवरदिगार के ऊपर यकीन है कि अल्लाह जो है दिलों को देखते हैं, तो इंशाल्लाह इस बार जो है चामराजपेट की आवाम और हमारे चामराजपेट के हलके के नौजवान, चामराजपेट हलके के बूढ़े बुजुर्ग, मेरे भाया और हमारे जनता दल पार्टी के सुप्रीमो देवेगौड़ा साहब, कुमार समी साहब, सब मिल कर के इंशाल्लाह मुझे MLA बनाएंगे, ये यकीन है, क्योंकि दूसरों को भी मौका मिला था, 4 बार मिला है, तो एक बार दूसरों को भी मौका देना है ना, तो और दूसरे जो भी है वो लोग भी मुझे प्रॉमिस किए थे, वादा करके थे कि आने वाले दिनों में मेरा छोटा भाई प्रेजेंट MLA, हाँ प्रेजेंट MLA जो जमीर साहब मुझे वादा किए थे आने वाले दिनों में 2018 में कि आने वाले बताइए 2018 में मुझे वादा किए थे, मेरे वालिद साहब से वादा किए थे कि आने वाले दिनों में इमरान पाशा जो है MLA है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस बार मुझे ये लोग कुर्बानी दिए हैं, सीट तक तो इमरान पाशा अपनी सेक्रीफाइस कर दिए करके बोल के, तो ये तो सबको मालूम है, गोरीपाड़े के लोगों को, चामराजपेट के लोगों को, टीपू नगर कितना एतमाद है वो अपने वादे पर कायम रहेंगे, कितना एतमाद है आपको अपने वादे पर कायम रहेंगे? नहीं, उन्होंने जबान दिए तो क्या है, वो उसके ऊपर चलती, क्योंकि एक ज़रा छोटे छोटे चीज़ें मिस मार लेती,
लेकिन मेरे ख्याल से ये जो वादा करी वो जब बात दिए तो उन बात के मुताबिक चलती, मुझे भरोसा है इंशाल्लाह। सपोज अगर वो वादा खिलाफी किए तो आपका क्या जो है इकदाम रहेगा? वादा खिलाफी करे तो अगर वो वादा खिलाफी किए तो आपकी तरफ से क्या पहल रहेगी? अगर उन्होंने कहते भी वादा खिलाफी करे तो उससे जवाब देने के वास्ते मेरा अल्लाह है जो मुझे बनाया, तुम ना बनाया, और हमारे चामराजपेट हलके के हर वो बच्चा है, हर वो बड़ा है, हर वो बुज़ुर्ग है जो अल्लाह को मानने वाला है, उन्होंने जवाब देती इंशाअल्लाह। इलेक्शन में लोगों ने जवाब दिया।